तो क्या आप भी कुछ इस प्रकार से पंखा जैसे घूमने वाला शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं? तो इसके लिए इस वीडियो को आपको फुल वॉच करना होगा। दोस्तों आज मैं काइन मास्टर की सहायता से इस प्रकार के शॉर्ट वीडियो बनाना आज बहुत ही इजीली सिखाने वाला हूं। तो चलिए काइन मास्टर में चलते हैं और इस प्रकार से पंखा जैसा घूमने वाला शॉर्ट वीडियो बनाना सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने काइन मास्टर में आना है, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और 9:16 का रेशियो चूज करने के बाद क्रिएट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम शूट किया हुआ वीडियो अपना ले लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं शूट किया हुआ वीडियो आ चुका है। सबसे पहले वीडियो को कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेते हैं और आपको मिक्सर पर जाना है और इसका वॉल्यूम कुछ इस प्रकार से म्यूट कर लेना होगा। तो दोस्तों आपको एक्टिंग किस प्रकार से करना है, तो हाथ रखना है और इस प्रकार से हाथ रखने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको एक्टिंग कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से। दोस्तों इस प्रकार के एक्टिंग करते समय आप सावधानी रखिएगा जहाँ भी आप इस प्रकार के एक्टिंग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जम करके कुछ इस प्रकार से एक्टिंग कर लेना होगा और इस प्रकार से स्क्रीन से बाहर चले आना होगा और कुछ खाली बैकग्राउंड आपको कुछ इस प्रकार से रख लेना होगा। और सेकेंड पार्ट में आपको कुछ इस प्रकार से एक डंडे लेकर आना है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से डंडा लाना है और इस प्रकार से मारने की एक्टिंग आपको करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एक्टिंग कर लेना है। तो अब हम चलते हैं एडिटिंग की तरफ जहाँ से मेरा एक्ट स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ से मैं एक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कैची पर जाऊँगा और लेफ्ट में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से कट करके हटा दूँगा और फिर से जहाँ से मैं कूदना आरम्भ कर रहा हूँ वहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम एक तो आप देख सकते हैं ये पहला वाला जो मैं कूदा हूँ अच्छा नहीं किया हूँ। तो सेकेंड वाला जो पार्ट मैं यहाँ से कूद रहा हूँ यहाँ पर मैं आऊँगा और इसको लेफ्ट में ट्रिम करके यहाँ से हटा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर उछला। तो जब दोनों पैर और हाथ इस प्रकार से मेरे हवा में हैं तो यहाँ वीडियो पर क्लिक करेंगे और कैची पर जाकर यहाँ पर एक स्लिप्ट कर देंगे। यहाँ पर स्लिप्ट करने के बाद बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको कैप्चर कर लेना होगा। तो यहाँ से पिक्चर कैप्चर हो चुका है। जब हम यहाँ स्क्रीन से बाहर चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पिक्चर कैप्चर हो चुका है। अब आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और कुछ इतना खाली बैकग्राउंड आपको रख लेना है। फिर से वीडियो पर क्लिक करना है, कैची पर जाकर लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ से आपको डिलीट करके हटा देना होगा। फिर से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इतना बैकग्राउंड हम रख लेते हैं, छोटा सा इतना बैकग्राउंड रख लेना है और कैची पर जाकर यहाँ पर आपको स्लिप्ट कर देना होगा। और जहाँ से मेरा सेकेंड वाला पार्ट एक्ट हो रहा है वहाँ पर हम चलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सेकेंड वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो फिर से हम वीडियो पर क्लिक करेंगे, कैची पर जाकर इसको लेफ्ट में ट्रिम करके यहाँ से कुछ इस प्रकार से हटा देंगे। दोस्तों यहाँ से अब आपको बैक आ जाना है। अब आपको एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत होगा। जब आप गूगल पर जाकर remove.bg लिखिएगा तो उसको खोलिएगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अपलोड इमेज पर आपको क्लिक करना है और अभी अभी जो पिक्चर आप कैप्चर किए हैं उसको यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिक्चर अपलोड हो चुका है, कुछ समय लेगा या आपका बैकग्राउंड इरेज करके दे देगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, डाउनलोड पर क्लिक करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। दोस्तों अब आपको फिर से अपने काइन मास्टर में आ जाना है और जहाँ का पिक्चर आप कैप्चर किए हुए थे आप देख सकते हैं यहाँ का पिक्चर आप कैप्चर किए हुए थे, आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और अभी अभी जो इमेज का बैकग्राउंड इरेज किए हैं वो इमेज यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से आपको कुछ इस प्रकार से मिला लेना होगा। पिक्चर कुछ इस प्रकार से मैच हो चुका है, इसको आपको अपने फुल वीडियो पर अप्लाई कर लेना होगा। इस प्रकार से अप्लाई करने के बाद पर थोड़ा सा आगे वीडियो को बढ़ाना है और यहाँ एक प्लस देना है। प्लस देने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से वीडियो को आगे बढ़ाना है और कुछ इस प्रकार से आपको इसको छोटा कर लेना होगा। छोटा करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको ले आना होगा। यहाँ पर लाने के बाद आपको फिर से इस वीडियो पर नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करना है और ओवरऑल एनिमेशन पर आपको आना है और यहाँ से आप जो चाहे इस प्रकार से चूज कर सकते हैं। क्लॉकवाइज आप चूज कर सकते हैं या काउंटर क्लॉकवाइज भी आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काउंटर क्लॉकवाइज चूज कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपका सेकेंड वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मारने की एक्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर
तो यहाँ पर कुछ मारने की एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको नीचे वाले वीडियो पर आपको क्लिक करना है और एक प्लस देना है। प्लस देने के बाद जो यहाँ तक आपको आना है और कुछ इस प्रकार से आपको छोटा कर लेना है। फिर से आपको कुछ इस प्रकार से छोटा करते जाना है। फिर से कुछ इस प्रकार से ऊपर करके कुछ इस प्रकार से छोटा करते जाना है। कुछ इस प्रकार से ऊपर करके आपको छोटा करते जाना है। कुछ इस प्रकार से आने के बाद आपको छोटा इस प्रकार से कर देना है। जब आप वीडियो प्ले कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आया, कुछ इस प्रकार से इसको डंडे से कुछ इस प्रकार से मारा और कुछ इस प्रकार से आप नाचते हुए आसमान की तरफ आप चले जाइएगा। अब आपको जहाँ से आप आसमान से बाहर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ से आप आसमान से बाहर चले गए। तो आपको कैची पर जाना है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से आपको राइट में ट्रिम करके हटा देना है और नीचे वाले लेयर पर आपको क्लिक करके कैची पर जाना है और यहाँ पर स्लिप्ट कर देना है। स्लिप्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट करके आपको हटा देना होगा और यहाँ से आपको फुल HD में वीडियो सेव कर लेना होगा।